क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसे प्रभावित होते हैं? दरअसल कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिन्हें जानकर आप किसी भी स्थिति में आसानी से प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, इनका उपयोग सोच समझकर और सही तरीके से करना चाहिए। ये ट्रिक्स न सिर्फ प्रभावी हैं बल्कि कई बार यह दूसरों को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। अब हम जानते हैं 100 दिलचस्प और असरदार डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो साइंस द्वारा प्रमाणित हैं। लेकिन 100 ट्रिक्स एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कई वीडियोस की सीरीज होने वाली है। तो इस डार्क साइकोलॉजी सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रिक नाम का इस्तेमाल करें, यूज द नेम। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हों और चाहते हैं कि उनका ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा जाए तो बस उनका नाम बोलें। एग्जाम्पल के तौर पर, श्रुति, क्या तुम इस बारे में कुछ कहोगी? नाम सुनते ही व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है और आपके शब्दों में एक निजी जुड़ाव महसूस होता है। यह तरीका किसी को भी आपके प्रति अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। ट्रिक नंबर 2, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। आप जब किसी से गहरे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की बातों को उनके शब्दों में दोहराएं। जैसे आप कह रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट आपको टेंशन दे रहा है। ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और उन्हें बिना जज किए सुन रहे हैं, जो एक गहरे और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। ट्रिक नंबर 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी की अच्छी कोशिश या काम की सराहना करना। उदाहरण के लिए, अगर आपके कॉलीग ने आपकी मदद की हो तो आप उन्हें कह सकते हैं, आपकी मदद से रिपोर्ट सच में बेहतर हुई है, धन्यवाद। यह न केवल उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है बल्कि उन्हें भविष्य में और भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। ट्रिक नंबर 4, मिररिंग, नकल करना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को नकल करें। अगर वे हाथों को जोड़कर बैठते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह तरीका सहज रूप से एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में मदद करता है, क्योंकि लोग उन लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो उनकी आदतें और हरकतें शेयर करते हैं। यह आपकी बातचीत को भी ज्यादा सहज और आरामदायक बना सकता है। ट्रिक नंबर 5, पावर ऑफ पॉज। कभी कभी अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए थोड़ी देर चुप रहना बहुत असरदार हो सकता है। जब आप कुछ कहते हैं तो एक छोटा सा ब्रेक लें। यह दूसरा व्यक्ति आपके शब्दों पर सोचने का मौका देता है और अधिक रिस्पॉन्सिव बनाता है। ट्रिक नंबर 6, एंकरिंग। एंकरिंग तकनीक का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप किसी बात पर बातचीत कर रहे हों, जैसे सैलरी या प्राइस। पहले एक बहुत हाई अमाउंट या ऑफर पेश करें और फिर उसके बाद एक मोर एक्सेप्टेबल ऑफर दें। यह तरीका बातचीत के रेफरेंस को तय करता है, जिससे आपकी एक्चुअल डिमांड ज्यादा फेयर एंड एक्सेप्टेबल महसूस होती है। ट्रिक नंबर 7, डोर इन द फेस। इस तकनीक में आप पहले एक बड़ा डिमांड करते हैं जिसे सामने वाला रिजेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद एक छोटा और ज्यादा एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से 100 रुपये दान देने को कहते हैं और वे मना कर देते हैं तो फिर आप उनसे 10 रुपये मांग सकते हैं। यह तरीका बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि लोगों को छोटे रिक्वेस्ट के लिए मना करना ज्यादा कठिन लगता है। ट्रिक नंबर 8, फुट इन द डोर। फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब है पहले एक छोटा अनुरोध करना जिसे आसानी से स्वीकार किया जा सके, और फिर बाद में एक बड़ा डिमांड करना, जैसे पहले किसी से अपनी किताब देने के लिए कहना और फिर बाद में भारी सामान उठाने के लिए कहना। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे लोगों को अपने बड़े डिमांड्स के लिए तैयार कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 9, सोशल प्रूफ। लोग अक्सर दूसरों को देखकर यह तय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप किसी को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कह सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग मानते हैं कि मीटिंग का समय पहले रखा जाए। लोग आमतौर पर ग्रुप के मेजॉरिटी के फैसलों को फॉलो करते हैं, और यह तरीका उन्हें भी आपके सपोर्ट में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। ट्रिक नंबर 10, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। यह ट्रिक कहती है कि जब आप किसी से छोटी सी मदद मांगते हैं तो वे भविष्य में आपकी ओर मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से किताब उधार लेते हैं तो वे भविष्य में भी आपकी मदद करने में संकोच नहीं करेंगे। यह एक प्रूवन थ्योरी है जो यह दिखाता है कि लोग अपने द्वारा की गई मदद को एक और अच्छी प्रोसीडिंग के रूप में देखते हैं।
ये थी 10 ट्रिक्स आगे की ट्रिक्स। इन सभी ट्रिक्स का उपयोग ध्यान और समझ से करना चाहिए। ये आपके आसपास के लोगों को समझने और उनके व्यवहार पर प्रभाव डालने के अद्भुत तरीके हैं, लेकिन इन्हें सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। आगे की ट्रिक्स जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर जिंदगी में रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा।